शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने अपना प्रचार अभियान आरंभ कर दिया है। धनीराम शांडिल ने अपना प्रचार अभियान शुरू करने से पहले शूलिनी देवी माता का आशीर्वाद लिया और मंगल भविष्य की कामना की। इस दौरान धनीराम शांडिल के साथ भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। माता का आशीर्वाद लेने के लिए वे सोलन शहर के बाजारों में अपने लिए वोट मांगते नजर आए। धनीराम शांडिल ने इस मौके पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा केवल जुमलों की पार्टी बनकर रह गई है। वे कहती कुछ है और करती कुछ है। भाजपा ने विधानसभा के चुनावों में भी ऐसे वायदे किए जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते भारत की जनता भारी आहत में है और उनमें भारी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस वही वायदे करती है जो निभा सके, वे किसी को भी भ्रम में नहीं रखती है। देश मैं समझता हूँ अच्छी स्थिति में नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है, हमारी जो किसानों की हालत है वो भी अच्छी नहीं है। उनसे किए गए वादे कि उनकी आय दुगना होगी, कुछ भी नहीं हुई। और न जाने कितने वादे हम कहाँ से आरंभ करें और कहाँ समाप्त करें। बहुत लंबी फहरिस्त और बहुत लंबी लिस्ट है कि भाई हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे, हम वो करेंगे। इस वक्त एक सिर जाएगा तो हम 10 लाएंगे, हम कम से कम सब लोगों के अकाउंट में 15 लाख डालेंगे। अभी एक प्रकार से मजाक सा बन गया। हम इसे उत्सव की तरह लेते हैं, जैसे लोकतंत्र को और लोगों की सेवा को हम कोई इसे वजन के रूप में या इसे कोई पनिशमेंट के रूप में नहीं लेते। हम इसे उत्सव की तरह लेते हैं और इसीलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अति उत्साहित हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम इस उत्साह से जाएंगे, अपनी नीतियों को लेकर जाएंगे, अपने लोगों को झूठे वादे नहीं करेंगे और जो करेंगे वादे उसको पूरा करेंगे, चाहे वो हमारे प्रदेश की बात हो, चाहे वो हमारे केंद्र की बात हो।